सुनील जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वास्तव में है क्या? देखिए, आज़ादी के बाद तुरंत बाद विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ और उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से आज़ादी के आंदोलन में विद्यार्थियों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए अब उनकी भूमिका समाप्त नहीं हुई तो देश को आगे बढ़ाने में, उसकी तरक्की में, उसमें विद्यार्थियों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और इसलिए वो अपनी भूमिका निभाएं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो भूमिका निभाएं, उसके लिए वो संगठित हो और संगठित होकर वो देश के, अपने करियर के साथ देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे और आगे जाकर वो जब भी समाज जीवन में कैंपसेस से निकल कर आते हैं तो इतने सक्षम हो कि वो हर एक क्षेत्र में जाकर एक अच्छा नेतृत्व दे सके और देश के हित में काम कर सके।